आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरम्भ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8,00,000 रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।